सब आ चुके हैं और इस वीडियो में जो गुलाब देख रहे हैं अपना उसका गुलाब जल बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाब जल बनाने का। तो डैड दिखाइए गुलाब जल। ये है बाहर का गुलाब जल और हम लोग अंदर से गुलाब जल बनाएंगे घर पे। और ये बाहर का गुलाब जल में केमिकल मिला होगा क्योंकि हम लोग बिना केमिकल के घर पे बनाएंगे और देखेंगे। ये तो मुझे एकदम पानी लग रहा है क्योंकि गुलाब जल का कलर पिंक होता है। तो ये इसमें केमिकल है और ये हम लोग घर पे बनाएंगे वो उसमें एकदम केमिकल नहीं होगा। ये एकदम फेस के लिए सही है। आपने देखा कि प्रख्यात बताया है कि घर पे हम लोग गुलाब जल को ट्राई करें। कल हम लोग मार्केट में गए थे तो प्रख्यात को गुलाब जल दिखाई दिया तो प्रख्यात ने बोला कैसा है कि कल हम लोग गुलाब जल परचेज करते हैं लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो प्रख्यात ने बोला कैसा है पापा कि गुलाब जल बनता कैसे है। तो हमने कहा चलो तो वो कल गुलाब जल घर पे बना के दिखाते हैं। तो आज हम सुबह मार्केट में गए हैं तो गुलाब हमने परचेज करके लाया और इससे जो गुलाब जल बनाएंगे वो घर का शुद्ध गुलाब जल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं और हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गुलाब जल बनता है। बेसिकली इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किस तरह से होती है और कैसे गुलाब जल घर पे बनाया जाता है। और जो गुलाब जल अभी बनेगा घर के अंदर में वो प्योर होगा, टोटली प्योर, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है। तो स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले क्या करते हैं, ये गुलाब के पेटल्स को हमने पहले ही अलग कर लिया है इसके अंदर से। अब इनमें जो ग्रीन पार्ट्स हैं इसको अलग कर देंगे इस टाइम पे। तो गाइस हम लोग गुलाब के पेटल्स को अक्सर में अलग कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर दिखाते हैं कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस लेंदी है लेकिन जो गुलाब जल बनेगा वो टोटली प्योर होगा। तो प्रख्यात सारे पेटल्स को अलग कर दो और जो इसके ग्रीन पत्ते हैं जो नीचे के हिस्सा है इसको अलग कर दो। सारे पत्तों को अलग। ये गुलाब भी बोले मेरा क्या दोस्त था दोष। तो सवाल कर दो ऐसे जैसे गाइस दिखाई दे रहा है कि सारे इसकी पंखुड़ियां जो है वो निकल चुकी है और ये हमारे हाथ में पीछे के जो नीचे का हिस्सा बचा हुआ वो ग्रीन पार्ट्स बचा हुए हैं। सारे पैटर्न्स को अलग कर लिया है और ये इसके नीचे के पार्ट्स को भी अलग कर लिया है। तो प्रख्यात एक काम करो, एक बहुत बड़ा सा बाउल लेके आओ जल्दी से। ये भगोना ले लिया है और इसके अंदर में सारे जो गुलाब की पंखुड़ियां निकाल के रखे हुए हैं इनको इसको डाल देंगे इसके अंदर में। ओके मैडम। टुकुर 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 को ऐसे एक काम करो, एक छोटा और बाउल लेके आओ। मैं अभी लेके आऊंगा, दो मिनट। ये रहा बाउल। अब हम इसको एक बाउल, एक दो बाउल लिया, एक बड़ा बाउल लिया है, एक छोटा बाउल लिया है। बड़ा बाउल के अंदर में इस छोटे बाउल को प्लेस अभी नहीं प्लेस करते हैं। पहले तो क्या करो, सारी पंखुड़ी को डाल दो इसके अंदर में। सारी पंखुड़ी को डाल दो। ठीक है, सारी पंखुड़ियों को मैंने इस बाउल में डाल दिया और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस करते हैं। के अंदर में हमने क्या किया, सारे पेटल्स को अलग कर लिया, रख लिया और एक छोटा सा बाउल जो है इसके नीचे लगा देते हैं, प्लेस कर दे रहे हैं बीच में। देखिए गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा हमने क्या किया, इसको नीचे प्लेस कर दिया बीच में और एक बाउल को इसके ऊपर रख दिया। एम्प्टी बाउल है पूरा, ठीक। एक बोतल में पानी लिया है और इसको साइड में पानी डाल दे रहे हैं। पहले चेक करते हैं पानी इसमें आ गया कि नहीं आ गया। हाँ पानी आ गया, ठीक है। तो गाइस अभी हमने एक बड़ा भगोना लिया है, दिखाओ। तो गाइस हमने एक बड़े भगोने के अंदर में सारी पंखुड़ियों को एक साथ कर लिया है, ठीक है। एक छोटा सा बाउल जो है वो नीचे लगा लिया है, साइड में पानी डाल दिया है और बड़े बाउल को इसके अंदर में प्लेस कर दिया है। अब इसको लेके हम लोग जाते हैं गैस के ऊपर में, रखते हैं आधे घंटे के लिए। जब
ये साइड से सारे जब ये पानी जब गर्म होगा और जो स्टीम निकलेगा उस स्टीम को कलेक्ट करेंगे इस छोटे बाउल के अंदर में, वही गुलाब जल होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम लोग किचन के अंदर में। तो गाइस हम लोग किचन में आ चुके हैं, गैस को जला लेते हैं। तो गाइस हमने क्या किया है कि बाउल के अंदर में सारे पेटल्स को ले लिया है, इसके हमें थोड़ा सा वाटर डाला हुआ है, एक छोटा बाउल जो है वो उसके अंदर में प्लेस कर दे रहे हैं और इसके ऊपर में बड़ा बाउल जो है वो रख दे रहे हैं। ऐसा रखना है कि ऊपर से जो स्टीम निकले वो स्टीम इसके अंदर में जाके इकट्ठा हो जाए। तो गाइस हमने क्या किया कि प्लेट के ऊपर में आटा ले लिया और आटा लगा के इसके ऊपर में और इसको ऐसे सील पैक कर दे रहे हैं, जिससे होगा कि स्टीम जो है वो बाहर जरा भी नहीं आ पाएगा। और कोई भारी आइटम जो है इसके ऊपर रख दिया। बेसिकली काम क्या होगा इसके अंदर में, जो हमारी गुलाब की पंखुड़ियाँ इसके अंदर में पड़ी हुई हैं और वाटर है उसके साथ में क्या होगा कि ये जब भाप बनेगा, स्टीम बनेगा, वो स्टीम क्या होगा पूरा इस प्लेट पे आएगा और उस प्लेट के थ्रू क्या होगा सारे स्टीम जो है बाउल है उसके अंदर में चला जाएगा। तो वेट करते हैं आधे घंटे के लिए। तो गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर में थोड़ा सा बर्फ़ डाल दे रहे हैं, इससे क्या होगा ना कि गाइस जब भाप बनेगा ये सारा भाप जो होगा वो एक जगह इकट्ठा होगा नीचे साइड में जाके, जैसे क्या होगा ऊपर ठंडा रहेगा वैसे भाप क्या होगा नीचे इकट्ठा होगा और बीच में कलेक्ट होता है। तो 20 मिनट बीत गया है तो हम लोग चेक करते हैं कि गुलाब जल अभी रेडी हुआ कि नहीं। इसको हम लोग ओपन कर देते हैं किसी चीज़ से, बहुत गर्म है। तो गाइस इसके अंदर में जो बड़े से बाउल के अंदर में जो अभी इकट्ठा हुआ है पानी, इसी को बोलते हैं गुलाब जल, एकदम प्योर गुलाब जल है ये। गुलाब जल हमने इकट्ठा के लिए साइड में कर लिया। इतने सारे गुलाब का क्या करेगा पापा, इसके अंदर अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। गुलाब जल इकट्ठा कर लिया है और जो इसके अंदर में जो पंखुड़ियाँ बची हुई हैं इन सारी पंखुड़ियों को हम अलग करेंगे और इसको फेंकेंगे नहीं। तो गाइस अभी हमने आपको बना के दिखाया है रोज वाटर, इसकी महक जो है गुलाब जल मार्केट से लेते हैं उसे कई गुना अच्छी है। इसको 6 महीने तक फ्रिज के अंदर में रखेंगे ये जरा भी खराब नहीं होगा। और इसे कहते हैं रोज सिरप, ये देख आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिंक कलर का है और इसका यूज हम लोग करते हैं हाथ पे मॉइस्चराइजर के लिए, ठंडी का मौसम चल रहा है तो उसको हाथ पे होठों पे लगाते हैं तो होंठ जो है वो पिंक हो जाते हैं। तो गाइस आपको बहुत मजा आएगा वीडियो के अंदर में। गाइस हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय। हो गया।